इस वक्त की खबर आ रही है थाना बाहा क्षेत्र के आगरा बाहा मार्ग पर गांव धर्मनगर से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि रोडवेज और प्राइवेट बस में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें यात्री घायल हो गए। दोनों बसों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें परकच्चे उड़ गए, यात्रियों में चेत पुकार मच गई। इस वक्त की खबर आ रही है थाना बाहा के धर्मनगर गांव से, जहां पर रोडवेज और प्राइवेट बस में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें यात्री घायल हो गए। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज परिहार। जी नीरज, कब ये हादसा हुआ, कितने यात्री सवार थे बस में? देखिए मनीषा, ये मामला जो है अभी ही कुछ देर पहले का है, और ये आगरा बाहा मार्ग पर जो एक रोडवेज बस है और एक जो डक्का मार बस है, जिसमें आमने सामने से भिड़ंत हुई है, और जिसमें करीब करीब दो दर्जन से अधिक लोग जो है घायल बताए गए। वहीं दो तीन जो यात्री हैं उनकी हालत गंभीर बताई गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से इन्हें जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से कुछ लोगों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है, जिनकी जो है। नीरज, ये बस कहां जा रही थी, कितने यात्री इसमें लगभग सवार थे, और अभी गंभीर जो हालत जिनकी गंभीर है उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? बिल्कुल, ये देखा जाए तो ये जो आगरा और बहा मार्ग पर जो डक्के मार बसें दौड़ती है, वही रोडवेज बस जो है वो यात्रियों को लेकर जो आगरा की तरफ जा रही थी, वही रोडवेज बस के सामने ही जो दूसरी बस जो डग्गा मार बस आ गई और जो है आमने सामने से भिड़ंत हो गई थी, जिनमें जो दोनों बसों में जो यात्री सवार थे और जो वो पूरी तरह से घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और जो ग्रामीणों ने तत्काल ही उन्हें निकालने का प्रयास किया था। उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई थी, मौके पर पुलिस पहुंची और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। और जो भीषण भिड़ंत हुई है, इसमें किसकी लापरवाही सामने आ रही, क्या पुलिस का इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो जैसे जिस तरीके से मनीषा जो जिस बात कही जा रही है और जो सामने आई है कि जो आगरा और बहा मार्ग जो एक ऐसा रूट है जो करीब 80 किलोमीटर दूर यहां से आगरा है वहां पे, और उस रूट पे कई जो ये डग्गे मार बसें अगर देखी जाए तो दौड़ी देखी जा सकती हैं, और रोडवेज जो बस स्टैंड है डिपो बना हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरीके की जो डग्गे मार वाहन जो दौड़ रहे हैं उन पर अधिकारियों की कोई लगाम नहीं है, अंकुश नहीं है। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो जो अगर वहीं स्थानीय लोगों की जो जानकारी मिली है उनसे बताया कि ये धक्का मार जो बसें दौड़ती है वो बहुत ही गलत तरीके से चलाते हैं, और जिसके कारण जो हादसा हुआ है उसमें भी ये लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर इस पर अगर पहले से लगाम कसती और कार्रवाई होती तो ये हादसे ऐसे सामने नहीं आएंगे, और इन पर लगाम लगाने में जो अधिकारी है वो पूरी तरह से। नीरज, ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जो जिसमें भीषण हादसा हुआ है, इससे पहले भी थाना बाहा क्षेत्र मार्ग पर कई ऐसे भीषण हादसे हो चुके हैं, तो अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान क्यों नहीं? बिल्कुल, अगर देखा जाए मनीषा जिस तरीके से जो आपने बात कही है और वो बात हमें भी पता है, जो पूर्व में भी पहले जो सामने आई है कि जिस तरीके से ये वाहन दौड़ रहे हैं और हादसे भी हुए हैं, कई हादसे सामने पहले भी हुए हैं, पहले भी रोडवेज बसों और जो अन्य बसों में जो टक्कर हुई थी और उसमें भी कई लोग घायल हुए थे, वैसा ही मामला फिर एक बार को देखने को मिला है, और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर जो है डग्गा मार वाहनों पर कोई भी अंकुश लगाने में जो परिवहन विभाग हो या पुलिस विभाग हो या फिर अन्य प्रशासन जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से फैल नजर आए इस मामले में। अगर इन पर जल्द ही अगर कोई लगाम नहीं कसती है तो ये हादसे होते रहेंगे और इनसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जी नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बता दें कि थाना बाहा क्षेत्र के आगरा बाहा मार्ग पर गांव धर्मनगर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, रोडवेज और प्राइवेट बस में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। दोनों बसों में आमने सामने से भिड़ंत में परखच्चे उड़ गए बस के, यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कुछ यात्रियों की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया गया है। आगरा बहा मार्ग पर जो डग्गा मार प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं उस पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं।